दोस्तों कन्नड़ इंडस्ट्री की तरफ से एक एक्शन एडवेंचर मूवी आई है थिएटर में कटेरा के नाम से, स्टारिंग दर्शन टी, जगपति बाबू एंड अर्धना राम इन लीड रोल। मैंने देखा हिंदी डब वर्जन में। तो कैसी है ये मूवी, आइए बात करते हैं। क्या ये मूवी आपको एंटरटेन करती है और क्या इस मूवी के लिए थिएटर में जाना वर्थी है भी या नहीं, तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है अशोक कुक्कर और आप देख रहे हैं कुक्कर रिव्यू पॉइंट। दोस्तों मूवी को डायरेक्ट किया थरुण सुधीर ने, जिसका बजट 45 करोड़ के आसपास है। बात करें स्टोरी लाइन की, दोस्तों कहानी के बारे में बिना स्पॉइलर के बस यही कहूंगा कि कहानी सेट है 1970 के दशक में एक छोटे से गांव भीमनहल्ली की, जहां पर कटेरा एज ए दर्शन टी एक लोहार के रूप में काम कर रहा है जो किसानों के लिए हथियार बनाता है। लेकिन उस गाँव में जमींदारी प्रथा लागू है जिसकी वजह से किसान बहुत ज्यादा परेशान है। फिर कटेरा इस जमींदारी प्रथा को खत्म करने यानी कि भूमि सुधार अधिनियम को लागू करने की जद्दोजहद में लगा हुआ है और उसके लिए उसको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ये सब आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसकी लेंथ वेरी करती है 3 घंटे 3 मिनट के आसपास, यानी कि इंटरवल को मिला के आपको लगभग 3.5 घंटे थिएटर में बिताना पड़ेगा। तो आप इसी बात को ध्यान में रखते हुए फिल्म देखने चाहिए। इन द मीन टाइम अगर कटेरा का रिव्यू मैं एक लाइन में करूँ तो बस मैं यही कहूँगा कि यह एक डिसेंट सी मूवी है जिसका प्लॉट बहुत अच्छा है, जिसको एक बार देखा जा सकता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों दर्शन का काम ठीक ठाक लगा मुझे। उसको एक किसानों का मसीहा के रूप में दिखाया गया है और इस रोल में वो अच्छे तरीके से फिट भी हो रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और एक्शन सीक्वेंस बहुत ज़्यादा अच्छे थे जो सिचुएशन से मैच भी हो रहे थे। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और दोस्तों इस मूवी में जितनी भी सपोर्टिंग कास्ट है ना, सबका काम ठीक ठाक था, यानी कि परफॉर्मेंस वाइज यह मूवी ठीक ठाक है जो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बात करें पॉजिटिव की तो दोस्तों इस मूवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसका प्लॉट, जिसमें किसानों के ऊपर कैसे कैसे अत्याचार होते थे पहले, इस सब के ऊपर फोकस किया गया है जो अच्छा लगा मुझे। मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी, एक्शन सीक्वेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से शूट किया गया है और जो इसमें गांव के सेट लगाए गए हैं ना, वो भी नेचुरल लग रहे थे भाई। बात करें नेगेटिव की तो दोस्तों इस मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसका स्क्रीन प्ले, जो बेहद स्लो फील होगा आपको। कई बार तो मूवी ठच होती भी दिखी है और इसकी वजह से आप बोर भी हो सकते हो भाई। मूवी की कहानी अच्छी है लेकिन उसको सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से मूवी कई बार ट्रैक से उतर जाती है और वापस ट्रैक पर आती भी नहीं है। और भाई इस मूवी की लेंथ भी बहुत ज़्यादा है, जिसको थोड़ा कम करना चाहिए था, जिससे मूवी थोड़ी और क्रिस्प बन सकती थी। मेरे हिसाब से इस मूवी को 2 घंटे 20 मिनट में भी खत्म किया जा सकता था। अब बात आती है कि मूवी को क्यों देखें। दोस्तों बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक्शन मास मसाला फिल्में पसंद है और आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं है तो आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। रही बात पैरेंटल गाइडलाइन की, मूवी 100% फैमिली फ्रेंडली है। मूवी में कोई भी न्यूडिटी या वल्गर सीन नहीं दिखाया गया है, तो आप इसे अपनी फैमिली के साथ भी आराम से एंजॉय कर सकते हो। मेरी तरफ से इस मूवी को मिलेंगे 3 out of 5 stars। बाकी इसके स्लो स्क्रीन प्ले और कहानी को ज़्यादा स्ट्रेच करने के लिए 2 stars तो आराम से कटा जा सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू मूवी कटारा के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।